हरदोई के कोतवाली शाहबाद थाने के अंतर्गत सराफा मार्केट के एक मोबाइल की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे लाखों के मोबाइल और सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में पाया। मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल सेलिंग नुकसान और लगभग नुकसान हमारा हुआ होगा 7-8 लाख। आग लगने का कारण क्या था? कुछ पता नहीं, घर पे बैठे थे, मोहल्ले वाले आए एकदम से, अचानक से बताया कि कुछ धुआं निकल रहा है, एकदम से भागे, जब शटर खोला तो अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा देहात, खुर्जा नगर और जहांगीरपुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डियों के हमले से किसानों में हड़कंप मचा रहा और आसमान टिड्डियों से भरा रहा, लेकिन न कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा और न ही कोई कृषि विभाग का अधिकारी। वहीं टिड्डियों को भगाने के लिए ग्रामीणों ने थाली और जनरेटर बजाए। हम तो ये कहना चाहते हैं किसानों के लिए गवर्नमेंट से मदद मिले, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मिले, मुआवजा मिले, वही इस टिड्डी के रोकथाम के लिए इलाज कराया जाए, दवा वगैरह छमकवाई जाए। ध्वनि से टिड्डी ये सुनते हैं कि भागती है, इसलिए बच्चे बर्तन बजा रहे थे। गाँव में धमाके वगैरह, ढोलक वगैरह, थाली है, जिस पर जो आइटम है वो बजाए इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना दौलाना में प्रधान और ग्रामीण अंचल से आए लोगों के साथ क्षेत्र अधिकारी पिलखुआ डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते कोई भी ग्रामीण अंचल में कांवड़ यात्रा लेकर नहीं जाएगा। इस दौरान थाना प्रभारी राजपाल सिंह तोमर ने बताया कि इस बार कोरोना के चलते कोई भी ग्रामीण घर से जल लेने के लिए नहीं जाएगा। ये आज थाना दौलाना पर एक थाना दौलाना के ग्राम प्रधानों और ग्रामवासियों की एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें मीटिंग में सभी को ये बताया गया है कि इस बार कांवड़ मेले में कोरोना के संकट को देखते हुए इस बार उसका आयोजन नहीं होने जा रहा है, और उसी को दृष्टिगत एक आम जनता की सूचना पहुंच जाए कि इस बार कांवड़ का मेला आयोजित नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में पुलिस ने एक अवैध रूप से चलाई जा रही तमंचे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। एसपी संजीव सुमन के निर्देश पर पुलिस ने खुलासा किया। एसपी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि स्वाट टीम प्रभारी, सर्विलांस टीम प्रभारी, कोतवाली क्राइम डिटेक्शन टीम प्रभारी की संयुक्त कार्रवाई में देहात के जंगल में चल रही शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने इसके सरगना को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से कई हथियार बरामद किए गए हैं। जोन मेरठ महोदय द्वारा एक सप्ताह का दिनांक 24 तारीख से अभियान चलाया जा रहा था अवैध शस्त्रों के विरुद्ध। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। आज हापुड़ नगर की पुलिस स्वाट टीम और सर्विलांस टीम और तथा क्राइम डिटेक्शन टीम जो हापुड़ नगर की है, उनके द्वारा एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंचकर जिले में बन रहे ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया, साथ ही अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी कीमतों के कारण देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जिले में निर्माणाधीन सर्किट हाउस और सायरा रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। सूचना विशेष तौर से कौशाम्बी जनपद के लिए भी, प्रतापगढ़ के लिए भी, चित्रकूट के लिए भी, तीनों जिलों को जोड़ करके हम लोगों ने एक स्टेट हाईवे घोषित किया जो लालगंज प्रतापगढ़ से प्रारंभ होकर के शहजादपुर जो गंगा सेतु है इससे होते हुए सुजातपुर एक आरोबी बन रहा है, के माध्यम से वाया मंझनपुर, करारी, बेनीराम, कटरा, सरायकेल, महिला घाट होकर या चित्रकूट जनपद में जा करके मिलेगा। इसकी लंबाई 111 किलोमीटर